वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पैनर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है और इसके प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैकेनिकल से जुड़े जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ITI या मैकेनिकल के कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पैनर के विषय में आप क्या जानते हैं, या किन्हीं 10 स्पैनर के नाम लिखिए, या स्पैनर के चित्र बनाइए। मशीनों के ज़्यादातर पार्ट में प्रायः नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है या नट बोल्ट के द्वारा जोड़ लगाया जाता है। ये बोल्ट या नट अपने आप नहीं खुले, इसके लिए उन्हें बलपूर्वक कसा जाता है यानी टाइट किया जाता है। बोल्ट प्रायः षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल या स्क्वायर टाइप में होते हैं। इनको कसने या खोलने के लिए जिन टूल का उपयोग किया जाता है उसे स्पैनर कहते हैं। स्पैनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत से नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। अधिक बल लगाने के लिए कभी भी हैमर या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। सेफ्टी के नज़रिए से ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, जिसमें कि अचानक स्लिप करने से हाथ या पैर में चोट लग सकते हैं। स्पैनर को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रिंच, पाना, चाबी। स्पैनर को बनाने के लिए वेनेडियम स्टील से फोर्ज करके इन्हें हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड या टेम्पर कर लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि स्पैनर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ओपन एंडेड स्पैनर। यह सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला स्पैनर है। इसके सिरे पर एक खुला खांचा होता है जो नट या बोल्ट के हेड के दो समांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। इस खांचे में नट या बोल्ट के हेड को फंसा कर लीवर पर बल लगाते हैं। यह खांचा स्पैनर की अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है। ये स्पैनर 6, 8, 10, 12 पीस के सेट में मिलते हैं। ओपन एंडेड स्पैनर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें कि पहला है सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर और दूसरा डबल एंडेड ओपन स्पैनर। जो सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर होते हैं, इस प्रकार के स्पैनर में केवल एक ही सिरे पर मुंह बना होता है और एक ही सिरे पे मुंह बनने के वजह से सिर्फ एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोले या बंद किया जा सकता है। जबकि डबल एंडेड ओपन स्पैनर के दोनों सिरों पर अलग अलग साइज का मुंह बना होता है, इसलिए यह स्पैनर दो साइजों के नट और बोल्टों के लिए पर्याप्त होता है। फिगर में देख के आप डबल ओपन एंडेड स्पैनर और सिंगल ओपन एंडेड स्पैनर को समझ सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड स्पैनर। इस प्रकार के स्पैनर में सिरा खुला न होकर बंद होता है। इसमें एक सिरे पर गोल रिंग के अंदर हेक्सागोनल या स्क्वायर में छिद्र किया होता है जो नट या बोल्ट के हेड के अनुसार बना होता है। इसमें नट या बोल्ट के हेड के स्लिप होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तीसरे नंबर पे आता है कॉम्बिनेशन स्पैनर। इस स्पैनर का एक सिरा खुले मुंह वाला तथा दूसरा सिरा बंद मुंह वाला होता है। दोनों का साइज एक ही होता है, अतः इसे एक ही साइज के नट या बोल्ट के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है रिंग स्पैनर। इस स्पैनर में दोनों सिरे गोल तथा कुछ ऑफसेट किए होते हैं, जिनके बीच में छिद्र होता है। इन छिद्र में 12 खांचे होते हैं जो नट पर लगाने के बाद उसके सभी 6 कोनों को फंसा लेते हैं। इससे इसके स्लिप होने की संभावना कम होती है। इसे 12 पॉइंट बॉक्स रिंच भी कहते हैं। ये स्पैनर तंग जगहों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और इनके दोनों सिरों का साइज अलग अलग होता है। पाँचवें नंबर पर है फेस स्पैनर। जब नट या बोल्ट का हेड बनना संभव नहीं हो तो उसके फेस पर दो ब्लाइंड होल आमने सामने बना दिए जाते हैं। इसके लिए यू आकार का एक स्पैनर बनाया जाता है। यू की दोनों पिनें बोल्ट हेड में बने होल में फंसाकर बल लगाकर बोल्ट को खोला या बंद किया जा सकता है। छठे नंबर पर है एडजस्टेबल फेस स्पैनर। यह स्पैनर देखने में डिवाइडर या कैलिपर के समान होता है। इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक सिरे पर रिवेट द्वारा जुड़ी होती हैं तथा दूसरे सिरे पर एक एक पिन लगी होती हैं। आवश्यकता अनुसार इन पिनों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट को या नट को खोला जा सकता है जिसके पृष्ठ पर दो छिद्र बने होते हैं। सातवें नंबर पर है हुक स्पैनर। इस स्पैनर में 90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर हुक तथा दूसरे सिरे पर हैंडल होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस हुक को बोल्ट व नट की परिधि पर बने छिद्र या स्लॉट में फंसा कर खोलने या बंद करने के लिए आवश्यकता अनुसार घुमाया जाता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। यह ओपन एंड स्पैनर का परिष्कृत रूप है। इसके खुले सिरे के खांचे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, अतः एक ही एडजस्टेबल स्पैनर
कई साइज के नट और बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें खुले मुंह का एक स्थिर जबड़ा तथा दूसरा चल जबड़ा होता है, जिसे मूवेबल जॉ कहते हैं, यानी कि इसमें एक जॉ फिक्स्ड होता है तथा दूसरा जॉ मूवेबल होता है। यह मूवेबल जबड़ा इसमें लगे एक स्क्रू नट द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका साइज इनकी कुल लंबाई से लिया जाता है, जैसे 150 mm या 300 mm इत्यादि। नेक्स्ट है मंकी स्पैनर। यह भी नट और बोल्ट के विभिन्न साइजों के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। मूवेबल जबड़े को चलाने के लिए इसमें नर्लिंग हेड वाला एक स्क्रू होता है। यह एडजस्टेबल स्पैनर की तुलना में अधिक मजबूत होता है तथा भारी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है टी सॉकेट स्पैनर। टी सॉकेट स्पैनर किसी उपकरण में गहराई में लगे नट और बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टी के आकार का स्पैनर होता है, जिसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है तथा दूसरे सिरे पर घुमाने या बल लगाने के लिए एक हैंडल लगा दिया जाता है। प्रत्येक साइज के लिए अलग अलग टी सॉकेट या स्पैनर होता है। अगला है ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर टी सॉकेट स्पैनर नहीं लगाया जा सकता, ऑफसेट सॉकेट स्पैनर को वहाँ प्रयोग किया जाता है। इसमें स्पैनर की नेक को 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है और उसे हैंडल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह स्पैनर भी केवल एक ही साइज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अलग अलग साइज के अलग अलग स्पैनर आते हैं। अगला है ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह स्पैनर एक पाइप को फोर्ज करके सिरों पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप बना दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग साइज भी बनाया जा सकता है। इसके बाद दोनों तरफ एक होल कर दिया जाता है। इस होल में हैंडल डालकर खोलने या बंद करने के लिए बल लगाया जा सकता है। अगला है रैचेट रिंच। रैचेट रिंच के दो भाग होते हैं, रैचेट हैंडल व बॉक्स स्पैनर या सॉकेट। बॉक्स को नट या बोल्ट के हेड में फंसाकर रैचेट हैंडल की सहायता से उसे घुमाया जाता है। रैचेट मैकेनिज्म की सहायता से हैंडल को आगे पीछे चलाने पर बॉक्स एक ही दिशा में घूमता है। आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में घुमाने के लिए इसमें एक लीवर होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्पैनर को बार बार नट या बोल्ट हेड पर सेट नहीं करना पड़ता। अगला है चेन पाइप रिंच। इसमें रिंच के एक सिरे पर दो प्लेटें लगी होती हैं। इन प्लेटों के सिरों पर खांचे बने होते हैं तथा एक चेन रिवेट द्वारा इनसे जुड़ी होती है। पाइप को पकड़ने के लिए इसे पाइप पर लपेटकर रिंच में बने ग्रूव में फंसा दिया जाता है। अब रिंच को घुमाने पर पाइप भी रिंच के साथ घूमता है। इसके बाद अगला है पाइप रिंच। इसमें हैंडल में एक सिरे पर स्थिर जबड़ा होता है तथा दूसरा चल जबड़ा यानी मूवेबल जबड़ा होता है। एक नट की सहायता से जिसे आगे पीछे चलाया जा सकता है। दोनों जबड़े पर दांत कटे होते हैं, इससे किसी भी पाइप पर आसानी से पकड़ बना लेते हैं। इसका साइज रिंच की पूरी लंबाई के द्वारा दिया जाता है, जैसे 150 mm या 300 mm इस तरह से। अगला है स्ट्रैप रिंच। जब पाइप रिंच या चेन पाइप रिंच के द्वारा किसी पाइप को पकड़ते हैं, तब पाइप पर निशान या मार्क आ जाते हैं। मुलायम धातुओं के पाइप तो दब भी जाते हैं, इसलिए चैन के स्थान पर एक कैनवास बोल्ट व क्लिप लगा देते हैं। इसमें चैन के स्थान पर एक कैनवास बोल्ट या क्लिप लगा होता है। बेल्ट को क्लिप में लगाकर पाइप को कस देते हैं, इससे पाइप की सतह खराब नहीं होती है। अगला है एलन की। मशीनों में कई तंग जगहों पर विशेष प्रकार के हेड वाले स्क्रू व बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। इनके हेड सिलेंड्रिकल होते हैं तथा उनके बाहरी सतह सीधी नर्लिंग की गई होती है। इनके हेड के बीच में हेक्सागोनल होल होता है। इस होल में एलन की को लगाकर घुमाया जा सकता है। यह एलन की एक स्टील की हेक्सागोनल रॉड को 90 डिग्री पर मोड़कर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टूल पोस्ट स्पैनर। यह एक प्रकार का कम्बिनेशन स्पैनर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। टूल पोस्ट में टूल को पकड़ने के लिए लगे स्क्रू को कसने व खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर वर्गाकार ग्रूव होते हैं। और सबसे लास्ट रिंच है लीवर जबड़ा रिंच। यह एक विशेष प्रकार का रिंच होता है, जिसमें जॉब को पकड़कर लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के पश्चात हाथ से छोड़ने पर भी यह जॉब को नहीं छोड़ता, जब तक इसका लॉक ना खोला जाए। इसमें एक जबड़ा बॉडी में फिक्स्ड होता है तथा दूसरा एक पिन द्वारा बॉडी को फिट रहकर एक लीवर द्वारा जबड़े को कम या अधिक खोलता या लॉक करता रहता है। इस रिंच को हम प्लायर,
कैम्प या वाइस की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी पूरी लंबाई इसके साइज के द्वारा तय किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि स्पैनर या रिंच को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्पैनर पर आवश्यकता से अधिक बल लगाने पर बोल्ट हेड या नट के सिरे गोल होकर स्लिप होने का भय रहता है, अतः इस पर कभी भी हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा पाइप लगाकर इसकी लंबाई नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसे बोल्ट जिनके सिरे गोल हो चुके हैं या ऐसे स्पैनर जिनका मुंह खुल चुका है प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। नट या बोल्ट के लिए उचित साइज का ही स्पैनर प्रयोग करना चाहिए। बड़ा स्पैनर प्रयोग करने से नट या बोल्ट का हेड गोल हो सकता है या फिर फिसल कर चोट लग सकता है। जाम हुए नट या बोल्ट को खोलने के लिए पेनिट्रेंट का उपयोग करना चाहिए। हैमर से हल्की हल्की चोट लगाने पर भी जाम को तोड़ा जा सकता है। एडजस्टेबल स्पैनर को प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मूवेबल जबड़ा बल लगाने की दिशा में ही रहे। विपरीत दिशा में होने पर स्पैनर टूट सकता है। ग्रिस लगे स्पैनर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो ये थे स्पैनर के सारे प्रकार। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।